हेलो गाइस एंड वेलकम इनटू द अनदर वीडियो ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजी। और जैसा कि बोला था कि न्यू वीडियो एडिटिंग ऐप से क्या होंगे आपके लिए, जो आप जो कि अपने एंड्रॉयड में भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं प्रोफेशनली एडिटिंग के लिए, वो आज लेके आई हूँ। जो भी सारे मैं यहाँ पे ऐप्स बताऊँगी उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वहाँ से नहीं करना तो आप प्ले स्टोर पर भी सर्च करेंगे तो आसानी से आपको ये सारे ऐप्स मिल जाएंगे। खास बात तो ये इन ऐप्स की कि सारे फ्री है विदाउट वाटर मार्क है, तो आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। नो डाउट बिल्कुल फ्री है विदाउट वाटर मार्क, तो आपको कोई टेंशन नहीं आने वाली। प्लस इसमें बहुत सारे फीचर्स भी है जो ये आपको प्रोवाइड करते हैं फ्री में। तो आज जानेंगे सारे उन वीडियो एडिटिंग ऐप्स के बारे में, लेकिन उससे पहले नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आप रहें उससे नोटिफाइड। तो चलिए जानते हैं कौन से वो वीडियो एडिटिंग ऐप्स आपके लिए लेके आई हूँ इस वीडियो में। फर्स्ट पे जो यहाँ पे वीडियो एडिटिंग ऐप आता है एंड्रॉइड के लिए, वो आता है VN वीडियो एडिटर, जो कि आप प्ले स्टोर पे सिंपली सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाता है। खास बात ये है कि बिल्कुल फ्री है और विदाउट वाटरमार्क, जब ये एक्सपोर्ट करते हो तो विदाउट वाटरमार्क ही आपको देखने को मिल जाता है। और इसमें खास बात ये भी है कि विदाउट एनी ऐड है, मतलब आप जब एक्सपोर्ट करोगे अपने वीडियो को तो इसमें आपको कोई बैनर ऐड या फिर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, तो सबसे अच्छी बात ये है। फीचर्स की तरफ चले तो काफ़ी अच्छा इसमें हमें फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। फ्रेम स्प्लिट करना है आपको वीडियो को तो वो भी देखने को मिल जाता है। डिफरेंट मोशन में एक्सपेक्ट्स में आप वीडियो बना सकते हो, डिफरेंट डायमेंशन में आप वीडियो बना सकते हो। और सबसे खास बात ये है कि इसकी खुद की ऑडियो लाइब्रेरी है, जिससे आप अपना बैकग्राउंड म्यूजिक जो है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है अपने वीडियो को, वो ऐड कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा वीडियो जो है यहाँ पे आपको क्रिएट करने तो ये आप फ्री में कर सकते हो। यहाँ पे बैकग्राउंड एनहेंसमेंट कर सकते हो, क्रोमा की मदद से आप पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी चेंज कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स आप इसमें फ्री में देख सकते हैं विदाउट एनी वाटर मार्क। यहाँ पर ऐप देखने को मिल जाती है वो है वीडियो एडिटर बड़ी, इसे भी आप गूगल पे सर्च करोगे प्ले स्टोर पे तो आपको आसानी से देखने को मिल जाती है। न्यू ऐप है लेकिन बहुत अच्छे पैकेजेस के साथ ही आती है। मगर अगर आप इंस्टाग्राम पे रील्स क्रिएट करते हैं तो ये तो बेस्ट ऐप है आपके लिए। काफ़ी अच्छे फीचर जो है पैकेज में ही हमें प्रोवाइड करती है, मतलब वीडियो जॉइनर इसमें देखने को मिल जाता है, वीडियो टू इमेज इसमें देखने को मिल जाता है ऑप्शन, मोशन इसमें अगर आपको फास्ट मोशन में ले जाना आपके वीडियो को तो वो भी आप इससे कर सकते हैं, स्लो मोशन में ले जाना है वो भी आप इसमें कर सकते हैं। अगर आपको कोई इमेज है उसे वीडियो में कन्वर्ट करना है, रील्स क्रिएट करनी, फिल्टर चाहिए बहुत सारे, अगर आपको अपने पीछे जो भी वीडियो है उसमें से बैकग्राउंड का जो म्यूज़िक है उसे कट करना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं, लोकल म्यूज़िक को ऐड करना तो वो तो आपके लिए आसान ही होगा। इसमें काफ़ी ईजी इंटरफेस इसमें आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, इसलिए आता है नंबर सेकेंड पर। और ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई प्रीमियम वर्जन भी नहीं ना ही प्रो वर्जन है, तो विदाउट एनी वाटरमार्क आप फ्री में इसे यूज़ कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग ऐप देखने को मिल जाता है वो है क्विक, जो कि काफ़ी फेमस ऐप है, आप गूगल के पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। खास बात ये है कि ये भी फ्री है विदाउट वाटर मार्क है, और अगर आप बिगिनर हैं आपको नहीं पता कि कैसे एडिट करते हैं वीडियोस को, तो आपके लिए काफ़ी लाइट सा इंटरफेस इसमें देखने को मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा टूल्स इसमें देखने को मिल जाते हैं जो कि प्रोफेशनली वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत सही रहते हैं, मतलब अगर आपको ट्रिम करना है आपके वीडियोस में बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करना है तो आप इसके सहारे कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा फीचर्स भी इसमें प्रीमियम में भी फीचर्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं इसमें। इसमें आप अगर अपने मोशंस डालना चाहते हैं अपने वीडियो में या फिर बैकग्राउंड से कोई ऑडियो कट करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, टेक्स्ट को ऐड भी करना चाहते हैं, या कोई पर्टिकुलर चीज़ है जिसे आप दिखाना चाहते हैं हाईलाइट करना चाहते हैं, वो आप इसके सहारे कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो कोट्स होते हैं उन्हें आपके फ़ोटो में ऐड करना है आपको तो वो भी आप कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा फीचर्स इसमें पैकेज में देखने को मिल जाते हैं, इसमें आता है नंबर थर्ड पर। आपको ऐप देखने को मिल जाता है वो है एक्शन डायरेक्टर, आई एम श्योर आपने भी इसके बारे में सुना होगा, काफ़ी फेमस ऐप है। इसका एक प्रो वर्जन भी है जो कि आपको परचेज करना होता है, लेकिन आप इसमें फ्री वर्जन से भी आपका काम चल जाएगा, आपको उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ उधर ध्यान रखने की बात यह है कि जब आप एक्सपोर्ट करते हो वीडियो तो इसमें वाटरमार्क आता है, लेकिन वो आपको एक ऐड देखने को बोलेगा, उसके बाद छोटी मोटी ऐड होगी वो, उसके बाद में आपका जो वाटरमार्क है वो हट जाता है। तो फीचर्स की तरफ मैं जाऊँ तो काफ़ी वाइड रेंज ऑफ फीचर्स इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल लुक देंगे आपके वीडियो को। ट्रिमिंग करना है या फिर आपको ऑडियो एडिटिंग करनी है, कलर कस्टमाइजेशन करना है या फिर अपने बैकग्राउंड को हटाना है तो क्रोमा की भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। आपको ऑडियो एडिट करना है या फिर कोई चीज़ है जिसे आप हाइड करना चाहते हैं, ब्लर करना चाहते हैं, वो भी आप इसके सहारे से कर सकते हैं। आपको किसी चीज़ का कलर एडिटिंग करनी है या फिर कोई कलर कस्टमाइजेशन करना है वो भी आप कर सकते हैं।
काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। बैकग्राउंड में म्यूज़िक ऐड करना है, ऐसे बैकग्राउंड से म्यूज़िक हटाना है, आपका जो बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है उसको हटानी है, तो आप इसके सारे वो कर सकते हैं। तो पैकेज में आपको टूल्स प्रोवाइड करता है, इसलिए आता है नंबर 4th पे। पे ऐप देखने को मिल जाती है वो है क्रूजो, जो कि आई एम श्योर आपने भी सुना होगा। काफ़ी न्यू ऐप है लेकिन बहुत जल्दी इसने पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। तो अगर इसके फीचर्स की तरफ चल रहे हैं तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि वही बात है, आपको एक छोटा सा ऐड दिखाएंगे आई एम श्योर 3 या 4 सेकेंड का होगा, उसके बाद जो है आप अपना वीडियो को एडिट कर सकते हैं विदाउट वाटर मार्क, जो है आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फीचर्स की तरफ मैं चलूँ तो काफ़ी वाइड रेंज ऑफ फीचर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको स्प्लिट करना है अपने वीडियो का या फिर मर्ज करना है तो आप इसके सहारे से कर सकते हैं। ब्लर करना है वीडियो को तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको अपने बैकग्राउंड में म्यूज़िक ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। काफ़ी वाइड रेंज ऑफ इसमें ऑडियो लाइब्रेरी भी आपको देखने को मिल जाती है जिसमें उनके खुद के साउंड्स हैं, तो आप उसमें से ले के अपने जो वीडियो में है ऐड कर सकते हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव बनाएंगे आपके वीडियोस को। सेकंड, काफ़ी ज़्यादा इसमें कलर कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको फिल्टर्स ये प्रोवाइड करता है। अगर आपको खुद का कोई कलर ऐड करना है पीछे बैकग्राउंड में या फिर उसे अच्छे से सेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड को हटाना है, क्रोमा की भी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। जो काफ़ी ज़्यादा जो बेसिक फीचर्स चाहिए आपको वीडियो एडिटिंग के लिए वो इसमें देखने को मिल जाते हैं फ्री में, तो क्यों ना जाएंगे इसकी तरफ। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स के साथ आता है क्रूजो नंबर 5th पे। टॉप 5 ऐप्स थे एंड्रॉयड के लिए जो आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके प्रोफेशनली एडिट कर सकते हैं अपने वीडियोस को फ्री में। और क्यों ना करें, जब भी फ्री में इतने सारे आपको जो है फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, मेरी लिस्ट में तो ये नंबर 5th पे ये सारे जो ऐप्स हैं 1st to 5th में आते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स के साथ ये आते हैं, इसे मैं आपके लिए लेके आई ताकि आप अपने एंड्रॉयड में भी जो है प्रोफेशनली अपने वीडियोस को लुक दे सकें और अपना जो वीडियो है उसे और भी अट्रैक्टिव बना सके। तो जैसा कि मैंने कहा था फर्स्ट में कि जो भी लिंक है, जो भी ऐप्स है उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे वीडियोस लाती रहूंगी। लेकिन उससे पहले नए आए हो चैनल पर या बिना सब्सक्राइब किए हुए जा रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आप रहें उससे नोटिफाइड। तो तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी।